आज आदर्श छात्रावास चूरू में चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह रखा गया है। इस सम्मान समारोह में चूरू जिले के सरपंचगण, पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का सम्मान किया जाएगा और समाज कैसे आगे बढ़े इन विषयों पर चर्चा हो रही है। वक्तागण अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच के ठीक सामने जो कुर्सियां डाल करके बैठे हैं, कृपया आप सहयोग करें और जो खाली शब्दों के माध्यम से आपने मंचस्थ अतिथि वे पंडाल में हमारे समाज के पधारे हुए सभी जन, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच के ठीक सामने जो कुर्सियां डाल करके बैठे हैं, कृपया आप सहयोग करें और जो खाली। ये पहला मौका है जब जिला हेडक्वार्टर पर हम जनप्रतिनिधियों का, पूरे चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों का, जिसमें कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण और जो पार्षदगण हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। हम प्रोग्राम करते रहते हैं अलग अलग तौर पे, तहसील लेवल पे करते हैं, हम ग्राम पंचायत पे करते हैं। जब भी कोई सरपंच जीतता है, बीडीसी मेंबर जीतता है, पार्षद जीतता है, तो हम एक छोटी जगह अपने क्षेत्र में उसका सम्मान करते हैं। पर ये पहला मौका और इतना शानदार कार्यक्रम जिसमें कि सभी चूरू जिले के जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना अपने आप में एक मिसाल है। ये एक लीक रखी जा रही है, आज से 5 साल बाद में जनप्रतिनिधि अलग भी होंगे, कुछ लोग वो वापस रिपीट भी आने चाहिए पूरे विधायक लोग। और हमारे जो प्रधान है मनमरी जी और संतोष जी, वो भी आने चाहिए और सब आएंगे तो सबको ऐसा लगेगा ये राजनीतिक दल वंश नहीं है। ये आग्रह मैंने किया तो इन्होंने कहा कि उसमें तो खर्चा वर्चा बहुत लगेगा, वो समाज में खर्चा खर्च भी तो करते हो आप है, अब आप बताता है खर्चा भी तो ला के रहो, थोड़ा उसमें नहीं लगा क्या? कहने नहीं पार को तो फिर मैंने कहा कि टेंट बनवाना समस्त खर्चा दे देंगे, लेकिन करो ऐसा ऐसी बात सा करो जिससे आदमी कुछ संदेश जाए देने में। इस प्रकार से ये आयोजन किया।